पतिदेव को है ना बहुत दिल से, है ना, अच्छा दिल से धन्यवाद भी नहीं, मतलब बहुत अच्छे हैं दोस्तों, दिल से बोल रही हूँ धन्यवाद तो क्या देऊँ, बट आई लव। तो दोस्तों सुबह के बज गए हैं भाई 4:30 और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज मेरे को नींद नहीं आ रही है बिल्कुल भी। तो मैंने गर्म पानी चढ़ाया है उठ के, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है इसी वजह से मैं काफ़ी पहले की उठी हुई थी, पर मैं थोड़ा वेट कर रही थी कि 4 बज जाए या फिर 4:30 तो तब उठेंगे। तो अभी गर्म पानी कर लिया है भाई मैंने, साथ में चढ़ा रही हूँ कॉफ़ी क्योंकि अभी भाई मॉर्निंग में कॉफ़ी पी लेते हैं, कभी चाय भी पी लेते हैं, तो इसे नोची ने तो मेरी हालत ख़राब कर दी है, मान लो जुकाम आ गई पता नहीं कहाँ से ही, इस मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है ना इसी वजह से। तो ये भाई कॉफ़ी बन रही है, तब तक मैं पी लेती हूँ मेरा गर्म पानी, उससे क्या है मेरे कटों में काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, अजीब सा ही हो रहा था खरखराहट सी, तो बहुत अच्छा लग रहा है, गर्म पानी पीते हैं ना जुकाम में तो बहुत अच्छा लगता है। तो भाई इधर कॉफ़ी बनने वाली है तो मैं गर्म पानी फिनिश कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो मैं सुबह के बजे 5:30, सभी को मैंने उठा लिया है, मैं थोड़ी पहले उठ गई थी और आज मेरी हो रही है तबीयत खराब, तो मैंने बनाई है कॉफ़ी क्योंकि अभी जिम जाना है मेरे को, और आज पानी के लिए भी पतिदेव को उठा दिया है क्योंकि पानी में पाँव देने से मेरे को ऐसा लग रहा है मैं जुकाम ज़्यादा हो जाएगी, पानी आ गया है तो पानी भर के लाएंगे नीचे से और हम उधर के उधर ही जिम चले जाएंगे। कैसी लगी कॉफ़ी? ऐसे तो हम आके पीते हैं दोस्तों, लेकिन आज मैंने पहले ही बना लिया क्योंकि मेरे नाक बिल्कुल जाम हो रहे हैं, पूरी तरीके से खुल ही नहीं रही बिल्कुल भी। तो गाइस ये पहुंच चुके हैं पानी भरने के लिए भाई, गाइस देखो नदी आ रही है भाई, पानी कैसे बह के जा रहा है। तो भाई रनिंग करूंगी सबसे पहले, और ये स्विच भी मुझे ऑन करना पड़ रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ही कर रही हूँ रनिंग मॉर्निंग में। गाइस मैं 5:40 पे हाँ यहाँ पे आ जाते हैं, तो अभी रनिंग कर लेते हैं भाई, टाइम बहुत कम रहता है दोस्तों, ये मान लो फास्टली करना रहता है मेरे को क्योंकि 7 बजे से पहले घर पहुँचना रहता है। तो अभी स्टार्ट हो गई है मेरी ये पूरी एक्सरसाइज, 1.5 आवर्स लग जाता है, 1.5 घंटा पूरा लग जाता है इनमें, तो फास्टली करते हैं। और भाई मैंने दिए ब्लॉग में तो इधर भाई जी मैंने भी आ गए हैं, ये पे भी पूजा कर रहे हैं। कैसे मूव हो गए देखो, ऐसे लगे थे जिम आसान नहीं होता, और मेरी तो तबीयत की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही हूँ हमारे, आज तो मेरा आने का ही नहीं था, लेकिन मैंने सोचा यार घर से भी क्या करेंगे परेशान ही होंगे, क्योंकि उठने का भी मन नहीं करता है, सभी वही लेट उठते हैं वही 7 बजे, तो भी फिलहाल 7 ही बज रहे हैं, अभी चलते हैं घर पसीना पसीना। और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है दोस्तों बारिश का, नाइट में भी बारिश आई थी। तो गाइस भाई अभी आ चुकी हूँ घर पे, और सबसे पहले काम होता है मेरा आर्यन को जगाने का क्योंकि इसका दूध का टाइम हो जाता है उठने का भी। ए आर्यन चाय चाय पियो चाय, कम कम ऑन खड़े हो बेटा, 7 बज गए, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, चलो चाय फिनिश करो अपनी।
चाय पियोगे क्या? नहीं। सुबह प्यार जी चाय पियोगे? क्या बोल रहे हो? वो मैं तो कोल्ड बनानी चाहिए चाय, तो दोस्तों मैं चाय भी बना लेती हूँ, साथ में फटाफट से बनाऊंगी खाना। और मैं इसमें नो दोस्तों, देखिए आज पतिदेव ने की है मेरी हेल्प, आटा लगा के रख रखे है, मैंने इनको जगा दिया था तो सोए नहीं है। पिया जी आटा लगा दिया आज आपने, वो भी परफेक्ट आटा लगाया है दोस्तों, देख सकते हो, नहीं कम नहीं पड़ेगा, ये परफेक्ट आटा लगाया आपने, तो बहुत सुकून मिल रहा है सच में, क्योंकि मैं अभी सब चाय बनाऊंगी फिर उसके साथ में सब्जी बनाऊंगी, तो उसमें तो मेरा 8:30 हो जाता है, तो आर्यन के स्कूल का टाइम 9 बजे का है, तो भाई ये काम उन्होंने बहुत बहुत क्या बताऊं दोस्तों, मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो गई है, तो अभी तो मैं उनके लिए प्यारी सी चाय बना देती हूँ भाई इस खुशी में। और दोस्तों भाई मेरे पतिदेव सच में बहुत ही मस्त है, देखो इन्होंने आज आटा लगा दिया है, क्योंकि मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब हो रही थी, और नहीं मेरी है जुकाम लग रही है इसकी बहुत तेज, मेरी है ना हेल्प कर देती है दोस्तों, ऐसे नहीं सोचते, जुकाम के इंफेक्शन से बचाने के लिए खाने को मैंने लगाया आटा, और कोई मेरा रीजन नहीं था इसको लगाने का। नहीं गाइस मेरी हेल्प कर देते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है, आर्यन को भी कभी कभी दूध पिला देते हैं मेरे आने से पहले ही, ऐसे नहीं सोचते थे कि ये भाई ये तो मेरा काम है और ये तो मोटी करेगी आके, मतलब ऐसे नहीं सोचते, तो थैंक यू माय क्यूटेस्ट बहन, देखने दो दिख नहीं रहा ठीक ठाक था, मतलब कम भी नहीं रहेगा ज्यादा भी नहीं रहेगा, इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए थैंक यू, वैसे तो इनको जितना थैंक यू बोलूं उतना ही कम है, क्योंकि मेरी हेल्प करते ही रहते हैं, तो किसी ना किसी काम को लेके, तो भाई किसी दीदी का मतलब कमेंट आया था मेरे पास कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, तो रियली में बोल रही हूँ, मैं वीडियो में नहीं बोल रही दोस्तों, ये मैं दिल से बोल रही हूँ कि रियल में मेरे हस्बैंड है ना बहुत अच्छे है, मेरी हेल्प करते, ऐसे नहीं करते ये काम तेरा है ये काम तेरा है ये मेरा है, ऐसे नहीं करते, कोई भी काम हो घर का ये काम कर लेते हैं, तो अभी मैं इनके लिए चाय लेके आती हूँ दोस्तों, वो उधर बेटे को देख रही हूँ ना, वो देखो कैसे इधर उधर हो रहा है, होमवर्क नहीं करता, अभी मॉर्निंग में करवाते है, वो भी यही करवाते है, मैं नहीं करवाती, और ये भी ठीक ठाक है दोस्तों कर देता है काम, अभी तो इसका क्या है फोन लेके बैठने का टाइम है, तो मैं इसको भी बीच बीच में काम बोलती रहती हूँ ये कर, तो ये भी कर लेता है, कम ऑन बेटे खड़े हो जाओ, चाय का पानी उकल गया है, देखिए बैंगन है वो भी कांटे वाले बैंगन है दोस्तों, इनकी सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है, 3 तरह के बैंगन थे भाई, तो मैं लेके आई थी बैंगन, और कल मंडी लगी थी ना तो सब्जियां मैं लेके आई थी मेरी पसंद से, मेरे जुकाम में गाइस बोला भी नहीं जा रहा है, ये मान लो इतनी बुरी हालत हो रही है, और पता है कहाँ से आई है मेरी जुकाम, इन्फेक्शन इसे बोलते हैं इन्फेक्शन, मनीष के भरा हुआ था ये इन्फेक्शन, तो उसी ने दिया है मेरे को इन्फेक्शन, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ रियल में मेरे इन्फेक्शन हुआ, क्योंकि मेरे अब दूर रीजन इन्फेक्शन तार अंदर आ गया इन्फेक्शन, स्टे अवे फ्रॉम अस, आई सेड हमसे दूर रहना, और आज थोड़ा रिलीफ हो गई क्योंकि आटा मेरे लिए लगा हुआ रखा है, तो मैं बस सब्जी बनानी है प्यारी सी, उसके बाद में जस्ट खाना बनाना है, हेलो अम्मा हमसे दूर रहना, हमारी आदत है ना हम रूम वाले बेड पे नहीं रहते ज्यादातर है ना, मतलब बाहर वाला बेड ही अच्छा लगता है, और ये अपने नोजी वोजी सब साफ करके टॉवल से और उस बेड पे पड़े फिलहाल, तो तेल पका रही थी ना कि गाय शाम पका रही तो गाइस भाई जिम जाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा थकता है, मान लो पहली बात तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी जिम भी जा पाऊंगी, तो भाई ये सब कुछ है ना मेरे पियाजी की वजह से ही हो पाया है, क्योंकि वो इतने अच्छे उन्हें साफ देख रहे तब जाके है ना मेरे को जिम भेजा है, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि जिम जाना कोई आम बात नहीं, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे होते जा रहे हैं, और सबसे मेन बात मनीष भी आ गया था ना, तो उसके साथ में भी थोड़ा अच्छा रहा मेरे लिए जाना, तो ना मेन मनीष कोई रोल, लेकिन मैंने मॉर्निंग का टाइम इसीलिए छोड़ा, हेलो मिस्टर हां मेन मनीष कोई रोल है, मनीष गेयर जिम के अंदर गाइस मैं मतलब पढ़ाई कर मारी, मेरा वेट है ना कुछ पूछ रहे थे कि दीदी आपका वेट कितना है, तो भाई मेरा वेट ज्यादा तो नहीं है ठीक ठाक है, पर कम भी नहीं है ये मान लो दोस्तों, वेट है मेरे मतलब हाथ पाँव ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, बट मेरा पेट है ना बहुत ज्यादा फूला फूला सा रहने लग गया, तो मैं खुद भी इससे है ना बहुत ज्यादा परेशान थी, और घर पे तो आप लोग जानते हो कि घर पे है ना
क्योंकि जब सामने कोई टीचर नहीं होता है ना तो हम नहीं कर सकते इतनी एक्सरसाइज, और कभी उठेंगे कभी नहीं उठेंगे, और दिन में है ना मेरा मतलब बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता है और कर भी नहीं पाती हूँ मैं बिल्कुल भी। और इसी वजह से मैं जिम ज्वाइन कर लिया है तो मेरे को काफी अच्छा लगता है और मेरा वेट भी काफी कम हो रहा है। तो दोस्तों मेरा वेट मैं बताऊंगी आप लोगों को, ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा कि कितना है। यही यही पे यही पे डाल दो, पूरा फिला के डालना है ना। आज थोड़े लेट हो गए गाइस, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे दाना डालते, कल मैंने मिस कर दिया गलती से काम के चक्कर में। चलो डाल दो बेटा थोड़ा जल्दी, चलो मम्मा को दो, मम्मा डाल के दिखाती है। देखो ऐसे डालते हैं ना, ऐसे फैला के देखो। और अभी है ना मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि अब जाके है ना अभी 12 बजने वाले हैं कुछ ही मिनट में, और अब जाके मेरा पूरा काम खत्म हो जाता है, मतलब साफ सफाई का। खाना तो 9 बजे फ्री हो जाते हैं खाने से, तो लेकिन पूरे 2 घंटे लग जाते हैं दोस्तों सब सामानों को सेट करने में एंड साफ सफाई करने में। और अभी यहाँ पे दोस्तों मैंने थोड़ा फिनाइल डाल के पोंछा दिया है और इसलिए थोड़ी फिसलन हो रही है, तो मैं कपड़े से इसको पोंछ देती हूँ। फालतू में कहीं आर्यन तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन आर्यन का मामा जी गिर जाएगा क्योंकि मैं अब जाऊँगी डायरेक्ट नहाने और फिर नहा के सीधा जाऊँगी लंच लेने के लिए। तो भाई बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा पूरा घर है बिल्कुल साफ हो चुका है दोस्तों। तो भाई मिलेंगे फिर नहाने के बाद में, तो मैं इसको साफ कर देती हूँ क्योंकि बहुत ही ज्यादा फिसलन हो रही है। मैं रोज तो नहीं लगाती पर सब ज्यादातर फर्श पे ही खेलता है यहाँ पे जैसे इसको चाहिए ना। तो दोस्तों भाई अभी दोपहर के बज रहे हैं 3, तो मैं भी नहा धो के फ्री हो गई हूँ, मतलब फ्री तो मैं उसी टाइम हो गई थी 12:30 बजे के लगभग। तो फिर आर्यन को लंच दे के आई, तब तक मेरे को 1:30-2 बज जाते हैं दोस्तों। और फिर आके क्या है, आज मॉर्निंग में मैंने मेरे लिए खाना नहीं बनाया था, तो आके थोड़े से राइस बनाए थे, मॉर्निंग में सब्जी थी उसी के साथ राइस खाए थे भाई आज, साउथ वाली डिश वो अच्छी लगी थी। क्योंकि मेरा रोटी में ना बिल्कुल मन नहीं था तबीयत की वजह से, और अभी देखो रेडी हुई हूँ शॉर्ट्स बनाने के लिए क्योंकि मेरे पास शॉर्ट्स भी नहीं है, 2-3 दिन हो गए थे बनाए हुए, तो मैंने सोचा आज बना लेते हैं। भाई तबीयत में लेके भी सोना है ना, मेरे को तो नींद ही नहीं आती सिर दर्द की वजह से बिल्कुल भी, तो शॉर्ट्स भी नहीं बन पा रहे हैं। मैं तो फालतू रेडी हुई, 2-3 गाने बने कि वो भी मतलब पैरों में से दर्द हो रहा है जिम की वजह से भी रहसे भी, तो मैंने कहा नहीं बन रहे अभी मैं छोड़ूंगी थोड़े से दिन, जैसे कोई काम करते हुए कोई बना देगा तो ठीक, नहीं तो अभी थोड़ा आराम दूंगी शॉर्ट्स को भी मैं खुद को। भाई बहुत तेज मतलब नाकों से पानी बह जा रहा है, 2-3 बार तो मैंने बाफ ले ली फिर भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है दोस्तों। और इतनी सी देर में तो है ना मतलब टाइम निकल गया है बस, फिर उसके बाद में काम ही काम स्टार्ट हो जाएगा। आर्यन का खाना बनाना है क्योंकि लंच में वो ओनली स्नैक्स लेता है, तो इसी वजह से ना उसके लिए स्कूल से आता है तब बनाती हूँ खाना दोस्तों। और भाई आज का ब्लॉग तो आप लोगों ने मॉर्निंग से देखा होगा, मॉर्निंग से लेके वही मॉर्निंग रूटीन का ब्लॉग था मेरा, कैसे कैसे क्या मैनेज रहता है जब से जिम ज्वाइन करी हूँ तब से दोस्तों। ये मान लो मैं मतलब 3-4 दिन में तो एक बार ब्लॉग बनाती हूँ, ज़्यादातर सैटरडे के दिन ही बनाती हूँ, लेकिन मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप है ना मतलब भाई कितना है आपका वेट एंड ठीक है काफ़ी सारे कमेंट भी थे, तो मैंने सोचा ठीक है ब्लॉग के थ्रू इनका जवाब देते हैं। अभी तो ये तबीयत में वैसे लग रहा है खांसी होएगी क्योंकि बार बार आई जा रही है, तो भाई दोस्तों इसीलिए मैंने ब्लॉग बनाया है आज। मेरा वेट मतलब मैं जिम ज्वाइन करी थी ना उस टाइम पे तो मेरा 64 था दोस्तों, और मेरे को 4 दिन हो गए जिम जाते हुए, 4 हाँ आज 5वां दिन था। तो अभी मेरा देखा होगा मैंने वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना अपने तोलने की मशीन है उसमें देख के आई थी 63 है अभी 63 है, 1 kg कम हुआ है। मुझे नहीं पता जिम से हुआ है या फिर खाना, क्योंकि मैं खाना भी बहुत ही कम खा रही हूँ इससे हुआ है नहीं पता, बट 1 kg वजन कम हुआ है भाई 63 है। और मेरा जो टारगेट है ना वजन का वो मेरा 55 का है, यानी 55 किलो मेरे को वजन करना है, कम करना है मेरे को। अभी तो 3 और 5 कितने हुए 8 kg वजन कम करना है मेरे को। और भाई ये मेरे लिए बहुत टफ हो रहा है गाइस, देखो कहने में से लग रहा है 8 किलो वजन, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, 8 किलो वजन से कम नहीं होता, बहुत सारी मेहनत लगती है उसके लिए। तो देखते हैं कैसे क्या रहता है सफर, तो मैं मतलब लास्ट में बताऊंगी 1 महीना होने के बाद में कि कितना कम हुआ है मेरा वजन कितना नहीं कम हुआ। अभी तो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस, मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है।
मतलब 2 दिन तो उठ गए, लेकिन क्योंकि एक तो ना मेरा दिन में ना बिल्कुल भी सोना नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक है ना सुबह नींद आती है, सुबह की नींद ऐसी होती है कि चाहे कोई भी आ जाए लेकिन खुलती नहीं है, बहुत ही प्यारी नींद होती है सुबह की। तो भाई यही मेरे साथ होता है, मतलब सुबह मेरा उठने में बिल्कुल मन नहीं करता है, पता है कभी कभी तो मैं सोचती हूँ, 2 दिन से जाने लगी हूँ अभी मैं मॉर्निंग में, तो मैं सोचती हूँ कि यार रहने देते हैं ना आज, बाद में चलेंगे शाम को, तो लेकिन फिर पूरे दिन है ना यही रहता है कि जिम चलना है जिम चलना है, तो फिर उसमें भी ठीक है माइंड में वही वही रहता है भाई चलना है, फिर बच्चे की प्रॉब्लम रहती है। शाम को है ना 5 बजे भी खुल जाती है दोस्तों, लेकिन फिर मैं नहीं जा सकती ना, क्योंकि अभी पियाजी भी वही 8 बज जाते हैं, फिर भाई बच्चे को भी खाना खिलाना, उनका भी खाना देखना, तो खाना खाते हैं ना तब तक 9 बज जाते हैं, फिर 9 बजे जाना मेरे को अच्छा नहीं लगता इतनी रात में जाना कहीं पे भी। वैसे तो हमारे ना पास में ही है ये, अच्छा एक एक काम है कि हमारे पास में ही है, हम 2 मिनट में चल जाते हैं वहाँ पे जिम में, तो लेकिन फिर भी दोस्तों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि नाइट की टाइम है ना, ना तो वहाँ पे ज़्यादा कोई लड़कियाँ होती है डे में, और मॉर्निंग में सही मिल जाती है, मतलब फ्रेंडशिप भी हो गई है मेरी भी, तो इसलिए मेरे को मॉर्निंग के टाइम में अच्छा लगता है। तो भाई कैसे करके अपने दिल को ऐसे बोलती हूँ कि उठना तो है ही, नहीं उठी तो फिर रात की प्रॉब्लम रहेगी, तो 1-2 दिन में सेट हो जाऊंगी। कहते हैं ना कि किसी काम को हम रोज रोज करते हैं ना तो फिर आदत लग जाती है, तो भाई वो मेरे को हो जाएगा। और अभी अच्छी सी चाय बनाऊंगी गाइस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो रही है, मतलब लौंग की चाय ना बहुत सुकून दे रही है जुकाम में, तो लौंग वाली चाय बनाऊंगी दोस्तों। भाई एक बार फिर से मैं अपने पति देव को ना बहुत दिल से है ना, अच्छा दिल से धन्यवाद भी नहीं, मतलब बहुत अच्छे हैं दोस्तों, दिल से बोल रही हूँ धन्यवाद तो क्या देऊँ, बट आई लव यू। मेरे पति रियल में बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरा हर चीज़ में है ना मेरा सपोर्ट करते हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ भी, क्योंकि ये जो मैं वीडियो बनाती हूँ ना इनमें भी उन्हीं का सपोर्ट है, उन्होंने कहा था, मैंने कभी भी है ना ऐसे नहीं कहा था कि मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है तू वीडियो बनाया कर, तो उनकी सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मतलब वीडियो बनाती हूँ। देखो बहुत सी मुश्किलें आती हैं हम वीडियो बनाते हैं उसमें, ऐसे नहीं कि किसी का कुछ, कोई कौन क्या कहेगा कौन क्या नहीं कहेगा, आप लोगों ने देखो मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे उसमें बहुत सारी, और मुझे नहीं सभी को परेशानी होती है ये, क्योंकि जो नहीं बनाते हैं ना वो आसपास के कहते ही हैं कि ऐसे वीडियो बनाती है, ऐसे नाचती है, ऐसे करती है, तो भाई इन सबसे है ना अच्छा मेरा को मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा किसी से भी, क्योंकि मेरे पति देव खुद मेरे साथ है, तो ऐसे ही उनकी वजह से आज मैं जिम भी ज्वाइन कर रही हूँ, क्योंकि घर पे है ना एक तो मतलब वेट नहीं कम कर सकते दोस्तों, मेरा वेट बढ़ गया है, पहले नहीं था इतना, बीच में बढ़ गया, फिर मैंने पहले मतलब जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी ना उस टाइम पे मेरा बिल्कुल भी नहीं था, बीच में ऐसा पता नहीं क्या हुआ बस फिर बढ़ता गया नहीं रोक पाई बच उनको, तो इसीलिए मैं ना खुद ही कम करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही थी वजन से, पेट 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 के अलावा और मतलब ना हाथ पाँव और कुछ भी नहीं है, पेट बस बढ़ता जा रहा, फूलने की प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ, तो इसी वजह से मैंने भाई के साथ जिम ज्वाइन किए दोस्तों। और भाई आप लोग सपोर्ट बना के रखो, फिर मैं ना आप लोगों को बताऊंगी जरूर कि मेरा वेट कितना कम हुआ है, एंड में बताऊंगी 1 महीने के एंड में। तो दोस्तों अभी बेटा जी आने वाला है मेरा, तो मैं उसके लिए बनाऊंगी अभी, उसके लिए आटा लगाऊंगी क्योंकि रोटी बनाऊंगी, उसके लिए मेरे लिए चाय बनाऊंगी, ओनली मेरे पास 10 मिनट बची है, तब तक मेरे को कपड़े भी चेंज करने हैं, और शॉर्ट्स तो मैंने ना स्टोव भी लगा दिया, पति देव की छुट्टी आएगी ना तो उनके साथ बना लूंगी, ऐसे सिंगल से मेरे से क्या बन ही नहीं पा रहे, हाथ पाँव है ना ऐसे धूजनी टाइप से हो गए हैं, कोई नहीं है इनमें बिल्कुल भी, एक दिन में हम थोड़ी देर सो लेना तो वो ठीक रहता है, लेकिन दिन में सोना नहीं होता दोस्तों, कितना भी टाइम कितने भी जल्दी मैं काम भी कर लूँ ना मॉर्निंग में जल्दी भी फ्री हो जाऊँ ना तब भी मेरा मतलब सोने का तो रूटीन बैठ ही नहीं पाता है, जैसे दिन में मैं सोचूं कि लंच करा के आऊँ ना 2 बजे तब सोने की सोचती हूँ, तो तब मेरे को ना बच्चे की टेंशन रहती है, मेरे को ना नींद ही नहीं आती है, 2 बजे मैं लंच करा के आने के बाद सोने की भी सोचूं तो मेरे को बिल्कुल नींद नहीं आती है कि कहीं भाई बच्चा आ जाए मेरी नींद नहीं खुले, काफ़ी सारी टेंशन होती है। वैसे तो मेरा भाई है मनीष, उसको बोल के सो सकती हूँ, पर है ना मेरा दिल नहीं मानता है, मैं किसी पे बिलीव नहीं करती, मैं खुद को ही समझती हूँ कि हाँ भाई मैं खुद ही
ठीक है उसको लेके आऊंगी मैं, और इतनी जिम्मेदारी से नहीं बनी सकता क्योंकि एक बार मेरा बच्चा स्कूल से बेच के ला गया था। और बाकी नीचे क्या है, नीचे दोस्तों क्या है, गेट लॉक रहता है सबसे बात, तो कोई भी गेट लॉक कर जाता है, वैसे तो बच्चा आ भी जाए क्योंकि ऑटो वाला भैया है ना नीचे उतार के जाता है, वैसे तो ऊपर जाने के बाद में ही वो वहां से जाते हैं, बट देखो हमारी भी जिम्मेदारी होती है ना कि हम अपने बच्चे का ध्यान रखें, अभी कहीं गेट ओपन नहीं रहे, तो इसलिए मैं ठीक है मैं दिन में सोने का सोचती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी दोस्तों। तो भाई होप करते हैं ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड आफ्टरनून गाइस एंड गुड इवनिंग।